प्रदेश के चार जिलों की सीमाओं पर लगी 800 मेगावाट की कोल डैम बिजली परियोजना भले ही देश को लाभ पहुंचा रही हो, लेकिन इस बांध के लिए अपनी सोना उगलती जमीनें कुर्बान करने वाले हजारों विस्थापितों के लिए आज भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवा पाने में सरकारें नाकाम रही है। 800 मेगावाट क्षमता वाले कोल डैम परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 5 जून 2013 को रखी गई थी, जिसके बाद देश की नवरत्न कंपनी एनटीपीसी द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू किया गया। कोल डैम बनने के दौरान बिलासपुर जिला का बाहोट कसौल गांव सबसे ज्यादा विस्थापन की चपेट में आ गया था, जिसमें सैकड़ों परिवारों की जमीनें इस प्रोजेक्ट के दायरे में आई थी और उन्हें महत्वाकांक्षी योजना के लिए विस्थापित होना पड़ा था। बावजूद इसके 16 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी इस गांव के लगभग 1200 ग्रामीणों को अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बड़ी परियोजनाओं के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में जमीन आवंटित कर लोगों को विस्थापित तो जरूर बना देती है, मगर सुविधा देने के समय पीछे हट जाती है, जिसका खामियाजा बाहोट कसौल गांव को आज तक भुगतना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से उनके गांव तक विभिन्न सुविधाएं मुहैया करवाने की अपील की है। और रोड की इतनी समस्या है, बुढ़े आदमी को जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पार से या बस लग जाए तो हमारी ये जो यहाँ की सारी समस्या है वो हल हो जाएगी। रहनोड़ा से लेके और कोल तक कोई भी काम एनटीपीसी के द्वारा नहीं किया गया, जो हमें नजर आ रहा है ये काम हुआ है। और यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ती है, बस यहाँ पे मुड़ती थी पहले, तो यहाँ पे हमारे बीडीसी के आए थे यहाँ पे कि यहाँ पे एक रेन सेटर बनाया जाएगा। चलो रेन सेटर तो नहीं बना, वो यहाँ से पीछे ख़त्म हो गया। बाकी ना कोई टॉयलेट है, ना कोई बाथरूम है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी है, मतलब कोई सुविधा है नहीं इस गाँव में। स्थापित तो हैं सर, काफ़ी साल हो गए सर, हमारी जो जितने भी उपजाऊ जमीनें थी वो सारी कोल डैम एनटीपीसी वालों ने ले ली सर। और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी सर, जैसे हमें रोड की सुविधा नहीं है सर, यहाँ से आने जाने का सर बहुत दिक्कत है सर, हमारे छोटे बच्चे सर स्कूल जाते हैं, तो सर जैसे बरसात के दिनों में तो सर सारा रोड पानी से भरा होता है सर। और सर ज़्यादा नहीं है सर, हमारा 1 किलोमीटर का रोड है सर, तो हम चाहते हैं सर ये जो रोड है सर ये पूरा मतलब 2 लेन बनना चाहिए। लोग जो विस्थापित हुए हैं लगभग 1000 आदमी है, 2003 में यहाँ से विस्थापित हुए थे और 2003 से लेकर के 2019 आ गया, लेकिन आज तक यहाँ पे ना कोई सुख सुविधा है, ना पंचायत की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, ना यहाँ बस आती है, बस भी यहाँ से 800 मीटर दूर रह जाती है। यहाँ पे जो 1000 लोग 1200 लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे HRTC की तरफ से अगर 3-4 बसें यहाँ लग जाती है तो लोगों को सुख सुविधा हो जाएगी आने जाने की। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।